बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा टीवी और मैं आपका अपना दोस्त राजा हमायूं। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। दोस्तों, ब्लॉग पर जाने से पहले सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें। बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स, बहुत सारे दोस्तों ने लिंक भेजे हैं कि लोग कह रहे हैं कि रोमानिया के वीज़े बंद हो गए हैं, इमिग्रेशन से कोई वर्क परमिट इशू नहीं हो रहा। तो उन दोस्तों के लिए ये वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, बात कुछ इस तरह से, ऐसी कोई बात नहीं है जो ये लोग प्रोपेगेंडा बना रहे हैं या उन्होंने ये शुरू किया हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। रोमानिया से वर्क परमिट इशू हो रहे हैं, रोमानिया के वीज़े लग रहे हैं। हाँ, कुछ डिले लाजमी हो रहे हैं, कुछ डिले कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इमिग्रेशन वालों के पास बहुत ज़्यादा कंप्लेंट गई हैं कि वर्क परमिट चला जाता है, स्टिकर लग जाता है, कंपनी रजिस्टर्ड होती है, लेकिन वो कंपनी मौजूद नहीं होती रोमानिया में। तो वहाँ जाकर लोग, मेरे भाई मेरे दोस्त बहुत ख़राब होते हैं, जिसकी वजह से आप इमिग्रेशन वालों ने इंक्वायरी करना शुरू कर दी है, जिसमें 3 से 4 माह लग जाते हैं। एक मेन वजह ये थी। दूसरी मेन वजह ये थी कि यूक्रेन वाले बहुत ज़्यादा लोग रोमानिया चले गए थे, जैसे वो जंग लगी थी यूक्रेन और फ्रांस की, रूस की, तो वो ट्रांसफ़र होकर रोमानिया चले गए थे। जो रोमानिया यूक्रेनी गए हुए थे, तो वो रोमानिया इमिग्रेशन वालों ने उन्हें हायर करना शुरू कर दिया था कंपनियों में, लेबर को उन्होंने हायर कर लिया था, इस वजह से भी थोड़ा मसला बना हुआ था। लेकिन ऐसी कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से वो रोमानिया के वीज़े बंद हो गए हैं या इशू नहीं हो रहे। वीज़े इशू भी हो रहे हैं, रोमानिया के वीज़े लग भी रहे हैं और लोग जा भी रहे हैं। हाँ, इंटरव्यू वगैरह थोड़े सख्त हो गए हैं, बहुत स्ट्रिक हो गए हैं, पहले ऐसे इंटरव्यू नहीं थे, अब डिटेल में इंटरव्यू लेते हैं, इस वजह से भी थोड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं। इंक्वायरी बहुत ज़्यादा हो रही है, सख्ती बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन वीज़े इशू हो रहे हैं, वर्क परमिट इशू हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने भाई को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।